आपके अपने YouTube चैनल ABC भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो में आप स्पीडी करंट अफेयर्स दिसंबर 2022 के MCQ प्रश्न उत्तर देखेंगे जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 अगस्त। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी एंजेला मर्केल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन ए 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? तो ये सही उत्तर है ऑप्शन डी गुलाम नबी आज़ाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में 8वीं भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राज़ीलिया। सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्राज़ीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका किस क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी BBS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पंजाब। बांग्लादेश मूल की फहमिदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के तहत फहमिदा अजीम ने पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? सही उत्तर है ऑप्शन बी बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए गरबा। SCO के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? सही उत्तर है ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान।
भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेश रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ट्रांसेशिया बायोमेडिकल। ऑप्शन बी है सही उत्तर। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ISC का नाम क्या है? भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत ISC का नाम क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, ISC विक्रांत। U20 Under-20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैंक किस देश में आयोजित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। सैयद सिबते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, झारखंड। Under-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। Under-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। दही हांडी किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? भारत की पहली डबल डेकर AC इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन इसका सी, मुंबई में। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य लिए शुरू किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन ए, R&D में सहयोग। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से DG यात्रा कार्यक्रम शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन
बी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर से मैरीटाइम से टो ही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप को किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर टेला लीजियन से डी होनूर किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास सुधार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? द्विपक्षीय अभ्यास सुधार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन ए 12 अगस्त को। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी लातविया और एस्टोनिया। लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन कॉर्बेवैक्स। ऑप्शन बी कॉर्बेवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी 10 अगस्त को। फ्रेंड्स हाथी बड़ा है तो इसको 12 से याद रखेंगे, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त को, और सिंह से छोटा है तो इसको 10 अगस्त याद रखेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी 10 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को, विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा?
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? सही उत्तर है ऑप्शन डी अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंडियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी फरीदाबाद हरियाणा। प्रवाज मार्केट से लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर। डॉक्टर एन क्लाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन सी 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का 4था संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन डी मुंबई से अहमदाबाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास और भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी USA। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? तो सही उत्तर है ऑप्शन इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम से मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भोपाल। IMF के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी KV सुब्रमण्यम।
हाल ही में डीआरडीओज के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की गई है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन से टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी NIIT के नए निदेशक बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवाशीषा मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम से जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व से राज्यपाल से रहे सैयद सिब्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये कहाँ के थे? तो ये झारखंड और असम के। हाल ही में कौन UEFA चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मनीषा कल्याण। मुक्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफ दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 19 अगस्त को। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 19 अगस्त को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्राउन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुनील छेत्री को। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्ष में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जस्टिन यूयू ललित, उदय उमेश ललित। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रभात जयसूर्या श्रीलंका। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएस 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्या बालबेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन शिवा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी प्रणव। और 76वें ग्रैंड मास्टर
प्रणव आनंद हैं। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन सी नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। ऑप्शन सी नल्लाथंबी कलाईसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है, अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुजरात।